सन्यासी। तो बाकी पूछेंगे कि हम क्या है। आदरणीय बंती जी, प्रदीप अग्लवी जी, डोगरा जी तथा मेरे साथियों, धर्म परिवर्तन तो हुआ, विचार परिवर्तन नहीं हुआ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था भारत को बौद्धमय करने का, वो विषय आज हमारे सामने है। और ये विषय मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय रहा है, जिस पर मैं पूरे महाराष्ट्र में और अवसर मिलने पर महाराष्ट्र के बाहर भी चार चार घंटे बोलता हूं। और यहां मुझे पौन घंटे में बोलना है, 45 मिनट्स। इसके पहले मैं जब बोल रहा था तो इसी विषय को लेकर कुछ संकेत मैंने दिए थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं मगर हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और फिर पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने धम्म का स्वीकार किया और उनके पीछे जाकर लाखों लोगों ने धम्म का स्वीकार किया। सब लोग उसको धर्म परिवर्तन कहने लगे, जो मुझे मंजूर नहीं है। इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि जिसका कोई धर्म नहीं था वो अगर किसी धर्म को अपनाता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं होता। अज्ञान को दूर करना ज्ञानी होना होता है, मगर ज्ञान अगर है और फिर से ज्ञान मिलता है तो ज्ञान प्लस हो जाता है, ज्ञान में परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं होता है। धर्म परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि एक घर छोड़ दो और दूसरे घर में चले जाओ। धर्म परिवर्तन का यह मतलब नहीं है कि एक कपड़ा फेंक दो और दूसरे कपड़े को चढ़ा लो। धर्म परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि एक महीने से खाना खा रहे थे तो उसको बदल दो और दूसरा खाना खाना शुरू कर दो। धर्म परिवर्तन का मतलब होता है मन परिवर्तन, मानसिकता का परिवर्तन, और उस प्रकार हमारे कृति का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन। 2000 साल पहले जब तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म की स्थापना की, वो धम्म की स्थापना उन्होंने जो की, उस वक्त जो वैदिक धर्म था उस वैदिक धर्म को पर्याय व्यवस्था देने के लिए किया था। उनका ऐसा क्यों करना पड़ा? तो वैदिक धर्म में जो यज्ञ संस्कृति थी, जो यज्ञ संस्कृति के नाम से इस मूल निवासियों को बहुत बुरी तरह से लताड़ा जाता था, उनका छल होता था। यज्ञ संस्कृति में ईश्वर को प्रसन्न करने की बात कही है, और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाना, पेड़ पत्तियों की बलि चढ़ाना और इंसानों की भी बलि चढ़ाना, ये सारा का सारा बताया गया था। और उस वक्त उस प्रकार का वैदिक धर्मियों से कृत्य होता था, उसका विरोध लगातार विरोध होता गया। अगर आप वैदिक संस्कृति में जो यज्ञ संस्कृति है उसका इतिहास देखें तो उसमें नरमेध यज्ञ भी है। नरमेध यज्ञ, ऐतरेय ब्राह्मण पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण पुराण में ये नरमेध यज्ञ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को जलाओ, पशुओं को जलाओ। और हमारी जो जीवनावश्यक जरूरतें होती थी उसको जलाओ। ये तो बड़ी अजीब बात है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हिंसा करो। सवाल यह भी खड़ा होता था कि अगर यज्ञ में किसी मनुष्य को जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है तो फिर ब्राह्मण को क्यों नहीं जलाओ? यज्ञ संस्कृति को लेकर जो भी वैदिक वांग्मय हमें प्राप्त होता है उसका अध्ययन अगर आप करते हैं तो कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में किसी ब्राह्मण को जलाइए, किसी क्षत्रिय को जलाइए या किसी वैश्य को जलाइए, मगर शूद्र अति शूद्र को जलाने की बात है।
तथागत गौतम बुद्ध ने यह देखा कि इस यज्ञ संस्कृति के कारण इस देश का जो मूल निवासी है बहुत पीड़ित है, उसको जानवर के जैसा उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसको अज्ञान में रखा जा रहा है। तो इन सारे छल से मुक्ति देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने वैदिक धर्म को जो पर्याय दिया उसका नाम है धम्म। तथागत गौतम बुद्ध ने यह भी देखा कि धर्म का केंद्र बिंदु अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, आत्मोन्नति है, और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए किसी की हिंसा की जाती है और आत्मोन्नति के लिए अपनी ही हिंसा की जाती है, जैसे कि उपवास रखे जाते हैं। उपवास रखने का मतलब क्या होता है? अपने ही शरीर का छल करना, और अपने ही शरीर का छल करना इसका मतलब होता है अपनी ही हिंसा करना। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जब देखा कि इस धर्म का केंद्र बिंदु ईश्वर और आत्मा है और उसके लिए हिंसा का शिकार किया जाता है, तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म का जो प्राण तत्व रखा हिंसा को विरोध किया, हिंसा को विरोध किया। उन्होंने देखा कि समाज की प्रगति हो या राष्ट्र की प्रगति हो, वो सिर्फ मनुष्य से होती है, किसी जानवरों से नहीं होती, किसी पंछियों से नहीं होती, पर्वतों से नदियों से नहीं होती, तालाब सागरों से नहीं होती, जिसको हम प्रगति कहते हैं वो प्रगति पूर्णतः मनुष्य से संबंधित होती है। संस्कृति जिसे हम कहते हैं वो मनुष्य से संबंधित होती है, सभ्यता हम जिसे कहते हैं वो मनुष्य से संबंधित होती है, और जिसको हम व्यवस्था कहते हैं व्यवस्था भी मनुष्य से संबंधित होती है। अगर संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था मनुष्य से संबंधित है तो उस संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था में मनुष्य का ऊंचापन होना चाहिए, जिसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। तो इसीलिए फिर उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग बताया। दुख मुक्ति का मार्ग बताने के पहले उन्होंने इस बात का अध्ययन किया कि हमारे मूल निवासी भारतीयों में दुख की निर्मिति क्यों होती है, तो उन्होंने देखा कि अज्ञान है। तब उन्होंने उद्घोष किया आत्मदीप भव, अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए खुद अपना प्रकाश दिया बनो, ज्ञान दीप बनो। और उसी परंपरा को चलाया महात्मा ज्योतिबा फुले ने, उन्होंने कहा विद्या बिना मति गेली। उसी परंपरा को चलाया छत्रपति शाहू महाराज ने, उन्होंने कहा कि बहुजनों को शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उनको दूर हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनका उनकी प्रगति हो जाएगी। और वही सूत्र शिका संगठित हुआ संघर्ष करा करके संदेश दिया बाबा साहब ने। तो यह संदेश देते वक्त उन्होंने देखा कि फिर ये जो मूल निवासी भारतीय है उनमें अगर ज्ञान को बढ़ावा देना है तो कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है कि जो ज्ञान का समर्थन करती है। तो उन्होंने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध का धम्म ज्ञान का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी देखा कि धर्म का संबंध किससे होता है, वो मन से होता है, मानसिकता से होता है, इसलिए कि मनोव्यापार के बिना देह व्यापार नहीं होते, मनोव्यापार के बिना देह व्यापार नहीं होते। यह भी तथागत गौतम बुद्ध ने उस वक्त देखा था, और इसीलिए बौद्ध धम्म का जो पूरा का पूरा तत्व ज्ञान है वो मनोविकार से संबंधित है, मनोव्यापार से संबंधित है, मनोविकास से संबंधित है। मैं तो यह कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर मानव शास्त्रज्ञ कौन है तो वह तथागत गौतम बुद्ध है। बाबा साहब ने अध्ययन के बाद जब बाबा साहब को पता लगा कि आज इसकी जरूरत है, यहां का जो पीड़ित मूल निवासी है, शोषित मूल निवासी है, दलित मूल निवासी है,
वो क्यों शोषित पीड़ित दलित है, तो उसकी मानसिकता गुलामी की बन गई है, उसकी बौद्धिकता गुलामी की बन गई है। और जब तक कि उसकी गुलामी की मानसिकता को खत्म नहीं करते, बौद्धिकता को खत्म नहीं करते, तब तक कि उसका किसी हालत में विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने जब धर्मांतर की बात की, जब हिंदू धर्म छोड़ने की बात की, तब उन्होंने देखा कि सिर्फ धम्म एक ही ऐसी ताकत है, ऐसी वैचारिक ताकत है, ऐसी मानसिक ताकत है, ऐसी बौद्धिक ताकत है कि जो आम आदमी को उसके हालात से उठाकर ऊंचा बना सकती है। किंतु हम क्या देखते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे एक प्रोफेसर मित्र है, दलित समाज से है, उन्होंने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया, उन्होंने एक अपना नया घर बनाया, तो गृह प्रवेश के दिन कई लोगों को उन्होंने खाना खाने के लिए बुलाया, मुझे भी बुलाया, मैं गया उनके घर, मेरी जीवन साथी भी मेरे साथ थी। हम जैसे गए, वो दरवाजे पे खड़े थे, मैंने मेरे प्रोफेसर मित्र और उनकी मिसेस का स्वागत किया, उन्होंने हमारा स्वागत किया, और हम सीधे जहां खाना था वहां चल बसे। तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा अंदर आइए, तो मुझे लगा कि वो नया बना हुआ घर मुझे दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा घर बनाया। मैं उनके साथ गया, तो उन्होंने हॉल में ले गए, और हॉल में क्या दृश्य था, तो जैसे हिंदुओं में सत्यनारायण की पूजा की जाती है, नया घर बनवाया सत्यनारायण की पूजा, बच्चे की शादी है सत्यनारायण की पूजा, शादी हो गई हनीमून का दिन है सत्यनारायण की पूजा, बच्चा पैदा होता है सत्यनारायण की पूजा, उसका नामकरण होता है सत्यनारायण की पूजा। मैंने अशोक डोगरा जी से पूछा कि मैंने बोला कश्मीर में सत्यनारायण की पूजा होती कि नहीं, तो बोले बड़े धूमधाम से होती है क्योंकि महाराष्ट्र में तो होती है, मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने चलो कश्मीर में होती होंगी तो यूपी बिहार में भी होती ही होगी। जब मैंने उनके यहां देखा कि जैसे किसी हिंदू ओबीसी के घर में सत्यनारायण की पूजा होती है, उनके घर में परित्राण पाठ उसी प्रकार से किया गया था, चौरंग रखा गया था, उसके आम की पत्तियां लगी हुई थी, एक तांबे का लोटा रखा हुआ था, उस पर नारियल रखा था, उस पर पीपल की पत्तियां रखी थी, और पीछे बाबा साहब की और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी थी, उसके नीचे गेहूं और चावल भी रखे हुए थे। तो मैंने उनको पूछा कि सर ये क्या है, तो बोले परित्राण पाठ किया उसका है। तो मैंने बोला सत्यनारायण में और इसमें क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि मला मराठी में बता था, बाद में हिंदी में बता, मला वाटलस मने सर तुम्हें ऐसी तैसी कराल। उन्होंने कहा कि मुझे लगा ही था कि सब सर मेरी आप हजामत करेंगे क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है। तो मैंने बोला तो ये तो हिंदुत्व की भ्रष्ट नक्कल है, हिंदुत्व की भ्रष्ट नक्कल से अगर हम छुटकारा नहीं पा सकते तो फिर दीक्षा भूमि जाने का कोई मतलब नहीं है, धम्म स्वीकारने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा एक और मेरा अनुभव बताता, साकोली भंडारा जिले में साकोली नाम का एक तालुका है, वहां के एक बौद्ध विहार के लिए मैं, मेरी मिसेस मामा देशमुख और भंते नागार्जुन सुरई ससई गए, 15-16 हजार लोग जम गए थे, बहुत अच्छा विहार उन्होंने बांधा। जैसे गए हमारे जवान साथी दौड़ते और बोले कि कड़ू सर जल्दी चलो, मैंने बोला क्या हो गया, सवर्णों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की, नहीं बोले सवर्णों ने कोई गड़बड़ नहीं की, फिर तकलीफ क्या है, तो बोले अपने आप आंखों से देखो। मैं विहार में गया, कुछ महिलाएं बैठी थी और सब इनके गौतम बुद्ध आ गए, बोले आप कोई कुछ जगह बाबा साहब भी आंग में आते हैं, बढ़िया अजीब बात, न जाने कौन कौन आंग में आएगा। मैं जोर से चिल्लाया, मैंने बोला ये बंद करो, ये धम्म में नहीं है। तो जैसे मेरी आवाज हुई वो महिलाएं तो भाग गई, तो मैंने बोला आवाज
कि ये बराबर अगर गौतम बुद्ध इनके अंग में से भाग जाते हैं तो वो गौतम बुद्ध नहीं है, वो ईश्वर हो सकता है। किसी के अंग में अगर ईश्वर आता है और मैं जोर से चिल्लाता हूं तो ईश्वर पीछे पांव लगाकर भाग जाएगा। और मैं फिर भंती जी को बोला कि भंती जी ये क्या है, ये अवडंबर जो है अवडंबर धर्म में हो सकता है, अवडंबर धम्म में नहीं हो सकता। धम्म में इसलिए नहीं हो सकता कि धम्म का केंद्र बिंदु ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, मनुष्य है और नीतिमत्ता है, मॉरल वैल्यूज एंड ह्यूमन बींग्स। मैंने ये भी देखा है कि कुछ भिक्षु क्या करते हैं, लोग जाते हैं उनके पांव पड़ते हैं, कुछ अपनी समस्या बताते हैं तो भिक्षु क्या करते हैं, एक प्याले में पानी बुलाते हैं और ये पी लो बोलते हैं, आपका दुख दूर हो जाएगा। ये धर्म में हो सकता है, धम्म में नहीं। तो इसका मतलब यही है, ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यह हो सकता है धर्म में, धर्म में अवडंबर हो सकता है, धर्म में ढोंग हो सकता है, धर्म में झूठ हो सकता है, धम्म में यह नहीं हो सकता। इसलिए कि धम्म बुद्धि प्रामाण्यवादी है, विज्ञानवादी है। इसका मतलब यही है कि धम्म का स्वीकार करने के पहले जिस धर्म में हम थे उसके जो संस्कार हम पर हुए हैं, पीढ़ी न पीढ़ी जो चलते आए हैं, वो संस्कार हम अगर त्याग नहीं सकते। क्यों नहीं त्याग सकते? तो मन परिवर्तन नहीं हुआ, विचार परिवर्तन नहीं हुआ। और जब तक के मन परिवर्तन नहीं होगा, मानसिकता का परिवर्तन नहीं होगा, विचार का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक के धर्म परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। मैं यह भी देखता हूं कि हमारे कई सारे लोगों ने धम्म का तो स्वीकार किया मगर धम्म संस्कृति का स्वीकार वे आज तक के नहीं कर सके। कई लोग मुझे पूछते हैं कि धम्म संस्कृति क्या होती है। बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैंने पहले कह दिया है कि यह मेरा इतना इंटरेस्टिंग विषय है कि मैं 4 घंटे बोल सकता हूं और सप्रमाण बोल सकता हूं। संस्कृति का सबसे मौल्यवान हिस्सा अगर कौन है तो अपनी महिला है। संस्कृति की सबसे मौल्यवान अगर कोई है तो अपनी महिला है। इसलिए कि मानवीय संस्कृति की सारी चीजें इस महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। और संस्कृति पूरे दुनिया में हिंदू धर्म एक धर्म ऐसा है, हिंदू संस्कृति एक संस्कृति ऐसी है कि जहां के महिलाओं के बदन पर जो भी आभूषण है वो आभूषण है, खास करके माथे पे बिंदी होती है, अन्य धर्मों में आपको दिखेगी नहीं। हाथ में कंगन होते हैं, पांव में क्या क्या बोलते हैं उसको हमारे मराठी में, हाँ पैजन नहीं, वो खास करके वो जोड़ा वो होता है, नाक में नथ होती है और गले में मंगलसूत्र होता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सारे के सारे आभूषण, सारे के सारे लक्षण गुलामी के हैं। आर्यों ने इस देश के मूल निवासियों को पर आक्रमण करने के बाद मूल निवासी भारतीयों को, भारतीयों का पराभव हुआ, उनके मर्दों को मारा गया। आक्रमणकारी आर्यों ने अपने साथ महिलाएं नहीं लाई थी और दुनिया का कोई आक्रमणकारी अपनी महिला साथ में नहीं ले जाता, ये मानवीय इतिहास है। तो मूल निवासी भारतीयों को मारने के बाद उनकी पत्नियों को इन्होंने गुलाम बनाया और मारे हुए पति का लाल खून उसके भाल प्रदेश पर लगाया और कहा कि ये ऐसा ही रहने दो ताकि तू मेरी दासी है, गुलाम है, ये मैं पहचान सकूं। और इसीलिए बिंदी का रंग लाल होता है। अब फैशन के कारण किसी भी तरह की बिंदी लगा देती है वो बात अलग है। ये आक्रमणकारी आर्यों का जो वाहन था वो तो घोड़ा था, ऊंट था। ये घोड़ा और ऊंट अपने देश से नहीं है। मूल निवासी भारतीयों का वाहन था वो बैल था, गाय थी, भैंस थी, इस प्रकार के जानवर थे। और आप अगर गौर से देखें तो ये ऊंट को और घोड़े को कब्जे में रखने के लिए क्या किया जाता है, नाक में नथनी डाली जाती है और उसको एक फिर रस्सी बांध के खूंटे को बांध दिया जाता है।
पांव में लोहे का कंगन होता है, उसको रस्सी बांध के खूंटे को बांध दिया जाता है। ये घोड़े को और ऊंट को कब्जे में रखने के लिए जिसका वापर किया गया, वही वापर इस महिलाओं को कब्जे में रखने के लिए किया गया है। इस ऊंट और घोड़े के नाक की जो नथनी है, इसकी बेसर बन गई, नथ बन गई और इनके नाक में डाल दी। पांव में जो लोहे का वो कड़ा होता था, उसको मिनी कर दिया और उसके पांव की उंगली में डाल दिया। अब रही बात मंगलसूत्र की, जरा जोर से आवाज देना, मेरा सवाल बहुत इजी है। मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल का अर्थ शुभ्र होता है, धवल होता है, सफेद, व्हाइट, पवित्र होता है। पवित्र का रंग अगर सफेद होता है, मंगल का रंग अगर सफेद होता है, तो फिर मंगल सूत्र इसका रंग काला कैसे हुआ? जरा सोचिए, हम विचार परिवर्तन की बात करें, धर्म परिवर्तन का मतलब विचार परिवर्तन होता है। अगर विचार परिवर्तन होता है तो इस बात पर गौर कीजिए कि काला रंग निषेध का रंग है और पवित्रता का रंग है सफेद, तो फिर यह मंगल सूत्र काला कैसे हुआ? अच्छा, मूल रूप से वैदिक वांग्मय में भी जो विवाह सूत्र है, वो विवाह सूत्र में भी क्या लिखा है वो भी आप पढ़िए। हमारे धम्म में जो विवाह सूत्र है उसमें भी क्या लिखा है पढ़िए। आग के इर्द गिर्द वो पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी अपने अंगूठे को सफेद धागा बांधते थे और उसमें भी महिला आगे होती थी, पुरुष पीछे होता था। यानी नवरी आगे होती, दुल्हन आगे होती थी और दूल्हा पीछे होता था। उनके अंगूठे को एक सफेद धागा बांधा जाता था और फिर वो आग के घूमने के बाद, प्रतिज्ञा लेने के बाद, वो जो सफेद धागा है वो दोनों के गले में डाल दिया जाता था और वो सफेद जो धागा था वो मरे तक के दोनों को अपने गले में रखना पड़ता था, इसलिए कि ये विवाहित है, ये पहचाना जाए। फिर ये काला कैसे हुआ? ये तो आक्रमणकारी थे। ये आक्रमणकारियों ने इनके गले में जो काला मंगलसूत्र बांधा वो क्या है? तो ये घोड़ा और ऊंट था, उनके गले में जो रस्सियां डाली जाती थी वो ऊल से बनती थी, लोकर, वो ऊल से बनती थी और उसका रंग काली मेंढिया जो होती है, काली मेंढियों से जो रस्सी बनती है, उधर नारियल की रस्सी नहीं बनती जहां से ये कॉकेशन पर्वत से आए हुए लोग हैं। वो काले रंग की वो रस्सी मंगलसूत्र के नाम पर ये गुलाम दासी जिसको बनाया उसके गले में डाल दिया और कालांतर में उसका ही मंगलसूत्र बन गया। मैंने मेरे जीवन साथी को कोर्ट मैरिज करने के बाद बताया, वो तो बड़ी सजधज के आई थी मायके से। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन तो ठीक है, आप आ गई है और ये जो दिख रहा है इसका इतिहास मैं आपको बता देता हूं, अगर समझ में आता है तो क्या करना क्या नहीं करना सोचना। और उसको मैंने गुलामी का पूरा इतिहास जैसे बता दिया, उसी वक्त उसने निकाल के फेंक दिया कि नहीं रे बाबा, एक आजाद मानसिकता के, एक आजाद विचार के, पूरी तरह से जो स्वतंत्रता का कड़वा समर्थक है, उसके साथ अगर मुझे संसार करना है तो उसकी मैं जीवन साथी हूं, उसकी मैं मित्र हूं, उसकी मैं पत्नी नहीं हूं। पत्नी का मतलब क्या होता है? पति का मतलब क्या होता है? कभी सोचा आपने? पत्नी का मतलब होता है पतनी, पुरुषों का पतन करने वाली। और पति का मतलब क्या होता है? महिलाओं की पत बढ़ाने वाला। शब्दों का निर्माण भी कैसे होता है देखिए आप। इसीलिए मैं कभी ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, ऐसा उल्लेख कभी नहीं करता। कोई भी बताए, प्रदीप जी से पूछिए, हम तो रात दिन साथ में रहते हैं नागपुर शहर के अंदर, कोई नहीं बोलेगा मैं जीवन साथी कहता हूं, मैं मेरी मित्र कहता हूं। और 27 साल हो गए उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे, किसी भी प्रकार का गुलामी का आभूषण उसके बदन पे नहीं है। यह धम्म संस्कृति है, यह धम्म संस्कृति है। धम्म संस्कृति ने कहा कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन,
हिंदुत्व नाम का जो आइडेंटिफिकेशन है हजारों साल से हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था, हमारे बदन पे था, हमारे चेहरे पर था, हमारे कृतियों पर था, हमारे भाषा पर था, हमारे व्यवहार पर था, हमारे सोच पर था। ये जो ब्राह्मणवादी आइडेंटिफिकेशन था, ये हिंदुत्ववादी जो आइडेंटिफिकेशन था, बाबा साहब को लगता था अगर इनको मैं धम्म की दीक्षा देता हूं और धम्म का ज्ञान अगर ये लेते हैं तो ये हिंदुत्ववादी जो आइडेंटिफिकेशन इसका त्याग करेंगे, ब्राह्मणवादी आइडेंटिफिकेशन जो इसका त्याग करेंगे, धम्म के संस्कृति का स्वीकार करेंगे और अपना जो आइडेंटिफिकेशन इस देश के अंदर अपने इनका आइडेंटिफिकेशन होगा वो धम्म का आइडेंटिफिकेशन होगा, धम्म की पहचान। मैं आपसे बड़ी नम्रता से पूछता हूं कि जिन्होंने धम्म का स्वीकार किया है क्या आइडेंटिफिकेशन है उनका? मुसलमानों का आइडेंटिफिकेशन होता है, क्रिश्चियनों का आइडेंटिफिकेशन होता है, सिखों का आइडेंटिफिकेशन होता है, जैनों का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो हमने अगर धम्म का स्वीकार किया तो हमारा भी धम्म हमारा आइडेंटिफिकेशन वाला होना चाहिए। मगर 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, हम अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? इसलिए कि हम धम्म का स्वीकार तो किए मगर धम्म संस्कृति का स्वीकार नहीं कर सके। जहां तक के संस्कृति का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ज्यादा मैं दे नहीं सकता कि इसलिए डोगरा जी इधर बैठे। सभ्यता की मैं बात करता हूं, सभ्यता की जब बात करता हूं उस पर सोचता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के कॉलेज में लेक्चरर हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ ने चलाए हुए एक कॉलेज में लेक्चरर हूं मराठी का। 89 को मैं वहां लगा, मेरे कॉलेज में सबसे ज्यादा जो मेरे सहकारी है वो ब्राह्मण समाज से है, मगर सामने जब आते हैं तो उनको मैं कहता हूं जय भीम, तो उनको पसंद आए ना पसंद आए वो बोलते हैं जय भीम। और जब मैं आगे जाता हूं तो जानबूझकर पीछे देखता है तो वो देखते रहता है ऐसा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जानबूझकर, दैट्स माय आइडेंटिफिकेशन, जय भीम इज माय आइडेंटिफिकेशन। धम्म सभ्यता का आइडेंटिफिकेशन अगर कोई है तो जय भीम है। तो जय भीम अगर धम्म सभ्यता का आइडेंटिफिकेशन है तो हमारे इटिकेट्स एंड मैनर्स, हमारे इटिकेट्स एंड मैनर्स की जब बात सभ्यता में आती है तो वो भी धम्म के अनुसार होनी चाहिए। जब भी मेरे किसी मित्र के साथ बात कर रहा था, धम्म का स्वीकार करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का जय जयकार करते हैं, मगर अपने बच्चे को अगर स्कूल में भेजने की जब भी बात आती है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉन्वेंट या बाबा साहब अंबेडकर विद्यालय या बाबा साहब अंबेडकर महाविद्यालय में नहीं भेजते, उनको फिर आरएसएस ने चलाया हुआ कॉन्वेंट लगता है या किसी मिशनरी ने चलाया हुआ कॉन्वेंट और स्कूल लगता है। मैं मेरे कई सारे साथियों को पूछते रहता हूं कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है, नाम तो बाबा साहब का लेते हो, नाम तो धम्म का लेते हो, बच्चा कहां पढ़ता है? तो आरएसएस के कॉलेज में, आरएसएस के कुल में, आरएसएस के कॉन्वेंट में, जहां सरस्वती पूजन होता है, सावित्रीबाई फुले का पूजन नहीं होता। इसलिए कि वो सभ्यता को भी हमने स्वीकार। जहां तक व्यवस्था की बात है, व्यवस्था के धम्म व्यवस्था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको जो भारतीय संविधान दिया, उस भारतीय संविधान को जो अभिप्रेत है वो व्यवस्था के प्राथमिक अवस्था में हम नहीं है। इसीलिए तो बामसेप का संगठन हुआ, इसीलिए तो बामसेप काम कर रहा है, ताकि इस भारत में धम्म व्यवस्था प्रस्थापित हो जाए, भारतीय संविधान के अनुसार व्यवस्था प्रस्थापित हो जाए, बहुजनवादी व्यवस्था प्रस्थापित हो जाए। कल भी मैं बात करते हुए मैंने कहा कि हमको हमारी सोच की पार्श्वभूमि क्या है, ब्राह्मणवादी है कि बहुजनवादी है। हमारे सोच की पार्श्वभूमि जब तक के बदलती नहीं तब तक के धम्म को अभिप्रेत जो व्यवस्था है वो व्यवस्था का निर्माण नहीं होता, बाबा साहब को जो अभिप्रेत है उस व्यवस्था का निर्माण नहीं होता। और ये जब तक के नहीं होगा, बाबा साहब के दिमाग में जो था कि भारत को बौद्धमय करके रखूंगा, तब तक के भारत बौद्धमय नहीं होगा। जिसने धम्म का स्वीकार किया है, जिसने बाबा साहब को स्वीकार किया है, वो जैसे विचार करेगा वैसा उसका आचार भी होना चाहिए। उसने ये ध्यान में रखना चाहिए कि मनोव्यापार के बिना देह व्यापार नहीं है, विचार परिवर्तन के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।
बाबा साहब बौद्धमय भारत करने की बात करते थे तो उनके सामने खास करके इस देश की जाति व्यवस्था थी। वो जाति व्यवस्था के बारे में एक किस्सा आपको बताता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धूप काल के दिन थे, दोपहर का समय था। मैं मेरे एक दोस्त के तरफ गया, जैसे भी अंदर गया घर में, छह लोग बैठे थे एक हॉल में। माताजी थी, पिता थे उनके, दोनों बहनें थी, एक भाई था और एक कोई शख्स था। सारे के सारे गंभीर। मैंने दो दो बार जय भीम किया तो भी कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। तो मैं मेरे दोस्त के पास जाके बैठा, और उसको कहा, यार आई एम वेरी सॉरी, शायद बहुत बुरा हुआ है। तो भी उसने भी कहा बहुत बुरा हुआ है। तो लगा इसके घर का कोई मर गया है। थोड़ी देर मैं ऐसे ही बैठे रहा और फिर पूछा कि लाश को नहीं लाया? तो उसने मुझे कहा किसकी लाश? तो मैंने बोला साले इतना बुरा हो गया, दुख की बात है, और फिर से मेरे को मेडिकल में हुआ क्या कुछ? क्योंकि घर में लाश तो दिख नहीं रही थी। नहीं, बोले कोई मरा नहीं। मरा नहीं है तो फिर ये गंभीर चेहरे से क्यों बैठे हो? नहीं, बोले बहुत बुरा हुआ। अरे यार, मैंने बोला सुन बता तो क्या बुरा हुआ? नहीं, बोले दीदी की शादी टूट गई। हो सकता है कई फैमिली में अगर लड़की की शादी टूट जाती है तो मृत्यु के बराबर का दृश्य होता है। तो मैंने बोला कि बेमतलब मैंने सॉरी कह दिया। मैंने बोला क्यों टूट गई? जो लड़का था उसने कोई दहेज वगैरह मांगा? नहीं, बोले हमारी इसमें दहेज नहीं है। बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला दहेज नहीं है तो वो लड़के का कोई लफड़ा वफड़ा था क्या? जो ध्यान में आ गया बाद में। नहीं, बोले वो भी नहीं है। नहीं, वो ये दहेज नहीं है, लड़के का लफड़ा नहीं है। तो फिर मैंने बोला दीदी का कोई लफड़ा था क्या? यार, बोले तू कुछ भी बात करता है। मैंने बोला यार सच बताना आप क्या था? अरे यार क्या करना, बोले हम बावने बौद्ध है, बोले, और वो लाडोने बौद्ध है, बोले, और लाडोने को बोले वो बावने की लड़की चलती नहीं। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम तो बुद्धिस्ट हो, बौद्ध धर्म का स्वीकार आपने किया? हाँ ना, बोले। तो मैंने बोला बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद जाति तो छोड़ो, उपजाति अगर नहीं छोड़ सकते थे काय को धर्म स्वीकार किया आपने? इसके पहले भी मैंने बात करते होती है कहा कि मैं कुणबी मराठा पाटिल था, अब नहीं हूं, इसलिए कि धर्म में जाति उपजाति नाम की चीज नहीं होती। बाबा साहब ने शायद इस पर गौर से देखा होगा कि अगर भारत बौद्धमय करना है तो जाति व्यवस्था का अंत करना है, और जाति व्यवस्था का अंत करना है तो जाति से जात मारना है। बाबा साहब ने देखा कि जाति से जात अगर मारी जाती है और फिर उनके पास बौद्ध का धम्म जाता है तो इस देश का जाति व्यवस्था का अंत हो जाएगा। और जिस दिन इस देश में जाति व्यवस्था का अंत होगा तो एक ही जात बचेगी, जो थी और रहेगी, उसका नाम है ब्राह्मण। मूल निवासी भारतीयों की कोई जात नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, वो तो व्यावसायिक वर्ग है। जबकि मैंने बताया बाबा साहब का यह सपना था, बौद्धमय करने का यह सपना था, तो बाबा साहब के सपने के अनुसार भारत बौद्धमय तब बनेगा जब बाबा साहब का जो जाति व्यवस्था के बारे में विचार है वो हम समझ लेंगे। और मैं फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये सारी की सारी बातें समझ के अगर हम काम करते हैं तो बाबा साहब का सपना पूरा करता है। आइए हम उनका सपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। भारत के हम मूल निवासी हैं, ये देश हमारा।